बहुत ही अच्छा लग रहा है। धूप में इतना अच्छा नहीं लग रहा था मार्केट, लेकिन यू कैन जस्ट सी। चाय पीनी है? हाँ पीनी है। एंड दिस इज नहीं भाई, चलो मौसम बदल चुका है, बहुत ठंड हो रही है और हमने ऑर्डर किया है जलेबी। एंड एक चीज ऑर्डर किया है अपने लिए, क्या? चाय। चाय और वो टिक्की, आलू टिक्की, आलू। सो वी आर गोना हैव दिस और पीती खाती हुई बहुत ज्यादा मुंह में एपिक हो रही है। यप, बहुत ही अमेजिंग। चाय पी ली है और अब हम वापस होटल जा रहे हैं। एंड वेक इज गोइंग टू डू हिज स्टफ एंड मैं अपना काम करने वाली हूँ। कल वीडियो नहीं आएगी, फिर आप लोग लिखना शुरू कर देंगे 11 बजे वीडियो कहाँ है। सो आई एम गोइंग टू शूट एंड प्रिपेयर अ वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू और फिर आपको बताते हैं हम क्या क्या कर रहे हैं। इट वॉज वंडरफुल वंडरफुल। हमने धूप भी देख ली रोड पर, मॉल रोड पर, और हमने ऐसा मौसम भी देख लिया एंड इट वॉज वन ऑफ इट्स काइंड एक्सपीरियंस। बहुत 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 मज़ा आ गया। आप देख सकते हैं बहुत धुंध है, वो पहाड़ दिख रहा है, वो देख रहे हैं वो वाला। एंड मैं जूम कर रही हूँ, आप कोशिश करना कॉन्सेंट्रेट करने की, क्या पता शिव जी दिख जाए। मैंने बहुत सारा जूम किया पर हमें कुछ नहीं दिखा एंड वो भी छुप गया। यहाँ से हमारा होटल आ चुका है, इट्स वेरी इजी। मॉल रोड से, ये पीछे मॉल रोड है, ये हमारा होटल के एंट्री है। अब यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, दैट्स आवर होटल। तो चलते हैं, रोड देखकर क्रॉस करते हैं। सो आई एम सुपर हैप्पी, मैंने आज दो पश्मीना शॉल लिए हैं एंड दे आर ब्यूटिफुल। तो मैं आज शाम को, शाम हो ही गई है वैसे, पर थोड़ी देर बाद डिनर के लिए हम नीचे आएंगे उस शॉल को टेस्ट करने के लिए कि इफ इट्स रियल पश्मीना। एंड मैं ये कोट नहीं पहनकर आऊँगी, मैं वही शॉल लेकर आऊँगी उसको टेस्ट करने के लिए। एंड मैं भैया को बोल के आई हूँ कि अगर वो शॉल मुझे ठंड से नहीं बचा पाया तो मैं वापस करूँ। व्हाट, आई एम ऑलरेडी टायर्ड। ओके, आप देख सकते हैं हमारे होटल की एंट्री पे, ये सेवोय होटल सब पोस्ट ऑफिस है विच इज सिंस 1902। सिंस का मतलब होता है यानी कि अभी भी चल रहा है, एंड ये पोस्ट ऑफिस अभी भी, यू नो इट्स देयर, भारतीय डाक। सो आई एम वेरी लेजी। वो देखिए विवेक जी कहाँ पहुँच गए, वो भाग रहे। मैंने बोला आप भाग जाओ, मैं आराम आराम से आती हूँ। यहाँ का हॉर्टिकल्चर बहुत ही प्यारा है। मेरे घर पर एक पीस लिली था पहले, फिर वो ख़राब हो गया, पर आज यहाँ पर एक फुल ब्लॉसम्ड पीस लिली देख के आई जस्ट फेल इन लव विद इट ऑल ओवर अगैन। और मैं वापस जाके फिर से पीस लिली लेकर आऊँगी। ये वाइट कलर का फ्लावर दिख रहा है, दैट्स पीस लिली। और वो देखिए ऊपर, वो एक ग्रीन हाउस है, वहाँ सारे पौधे हैं, सारे के सारे पौधे हैं। देखते हैं अगर वहाँ जा पाते हैं तो वहाँ भी जाएंगे, देखेंगे कौन कौन से पौधे हैं एंड आई विल शो इट टू यू। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे बोन फायर के लिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, मैं अपना शॉल टेस्ट करने जा रही हूँ। मैंने नया शॉल लिया है, टू टेल मी आपको कैसा लगा। एंड दिस इज पश्मीना शॉल विच इज लाइक नोन फॉर इट्स हीट, कि आपको बहुत ज्यादा यू नो ठंडी नहीं लगती है इसको पहन के। तो मैं इसको टेस्ट करने के लिए जा रही हूँ
और बहुत बहुत ठंड हो रही है बाहर, बहुत मुझे पता नहीं टेम्परेचर कितना है, आई विल सी इन लेट यू नो। एंड बहुत ठंडी शीत लहर चल रही है, तो मैंने सोचा द बेस्ट टाइम टू चेक द शॉल, तो मैं जाती हूँ और आपको दिखाते हैं बॉनफायर कैसा चल रहा है। यहाँ पे जो होटल का अपना बॉनफायर है वहाँ पर स्टोरी टेलिंग चलती है एज टू ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है ये कैसे बनी एंड सो मेनी अदर थिंग्स। सो लेट्स सी, स्टोरी ना भी सुने बट एटलीस्ट विल गो एंड सी व्हाट इट इज। इट्स अ हेरिटेज साइट, तो ये सारी चीज़ें सालों पुरानी हैं, 1800 समथिंग के ईयर मैंशन हो रखे हैं एंड दिस इज ऑल। हम बात कर रहे थे कि महीने में एक बार इसको यू नो चमकाते होंगे एंड इट्स अ लॉट ऑफ टास्क फॉर श्योर। सो ये सारी की सारी जो मूवीज़ हैं ये इस होटल में शूट हो रखी हैं, सम प्लेस इन द हिस्ट्री। तो मूवीज शॉट इन दी सेवॉय मसूरी, मैं आपको बताना चाहती हूँ। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 लेटेस्ट वाली, जीनियस फोरेंसिक, दिस इज योर गिनी वेज सनी, देन इज शिवाय अजय देवगन वाली, कबीर सिंह ये भी यहाँ पर शॉट हुई है, अमिताभ बच्चन की अरमान, पुरानी जो है तीसरी मंजिल दैट इज रुस्तम, अनहोनी नरगिस की अनहोनी भी यहाँ पर हुई है, एंड घूंघट, सन ऑफ इंडिया, करम, घर का चिराग, द कश्मीर परदेसी, दुल्हन एक राती, व्हाटएवर। सो ये सारी फिल्में यहाँ पर शूट हुई। ये क्या है, स्टेज रूम, सॉरी हाँ मूवी रूम भी है। नमस्कार, कौन सी मूवी यहाँ पर प्ले की जाती है? अच्छा, तो जो बॉन फायर में हो रहा है वही सेम? Are they telling stories about the hotel over there? They are telling some story. I don't know if it's about the hotel. This is going to be a more, you know, hotel-centric, more about the history of the hotel, the origins. Okay. My name is Kshitij Sharma and I'm a filmmaker. Years ago, in the summer of 19... अभी हम सेवॉय की जो स्टोरी है पूरी की पूरी इस होटल की, वो उस पर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री मूवी टाइप बनाई हुई है 1 घंटे की। तो वी जस्ट रैंडमली वाज गोइंग अराउंड द प्रॉपर्टी और हमें मौका मिला वो मूवी देखने का, एंड इट इज़ सो रिच इन हिस्ट्री, आई कैन नॉट टेल यू। आई एम फीलिंग सो हैप्पी कि हमने इस प्रॉपर्टी को चूज़ किया कि हम यहाँ पर आए। एंड जिसकी भी हिस्ट्री होती है, यू हैव यू नो समथिंग, यू हैव रूट्स, इट इज़ अमेजिंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट। आई एम फीलिंग सो हैप्पी, मी एंड माई हस्बैंड वी आर हैविंग सच अ ग्रेट टाइम, क्योंकि यहाँ की हिस्ट्री इतनी रिच है, द वे दिस प्लेस हैज़ बिल्ट इट सेल्फ इज अमेजिंग। 1895 का ये पियानो है जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, जो भी हम मूवी में देख कर आए हैं। अभी मैंने रैंडमली पढ़ा था, लेकिन नाउ व्हेन आई नो व्हाट इट हैज़ सर्वाइव्ड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इट हैज़ सर्वाइव्ड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एंड इसका रिस्टोरेशन हुआ है स्पेसिफिकली नैनीताल, एंड इट इज़ सच अ वंडरफुल थिंग कि एवरी पॉसिबल थिंग इन दिस होटल इज़ लाइक ऑलमोस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, एंड वी आर फीलिंग सो हैप्पी, सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। एंड इफ इट ऑल यू आर कमिंग टू मसूरी, आई वुड से यू मस्ट विटनेस दिस प्लेस, काम, कॉम्पोस्ट, एवरी पॉसिबल थिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ इज दिस प्लेस, एंड आई एम रियली 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 हैप्पी टू बी हियर। Yeah. Agatha Christie wrote a book called The Mysterious Affair of Styles, and she solves the mystery. So she says that the boyfriend killed Lady Nancy Orme Garnet, and the reason why he killed her was that. Thank you.
Alright, so let me tell you, with flying colors, ये जो shawl है ये pass हो चुका है. My husband who's wearing a jacket and everything, he is feeling very cold. Temperature काफ़ी ज़्यादा है. And I am feeling very comfortable. Obviously हाथ बाहर निकाल के थोड़ा ठंडा लग रहा है, but अंदर रख के it is so warm. So it's a big wow, wow, wow. I'm happy with this shopping. And मैं कल वापस उस shop में जाऊँगी उनको बताने के लिए that it is perfect. बहुत ही खूबसूरत सा ये जगह है, बहुत ही प्यारा पार्क है. हम यहाँ से आए हैं एंड वहाँ स्टोरी टेलिंग चल रही है जहाँ मैंने आपको दिखाया. एंड वी आर जस्ट रोमिंग अराउंड इन द पार्क. हम प्रॉपर्टी पूरी देख रहे हैं एंड इट्स अ वंडरफुल ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी. हाउ डू यू लाइक इट? बहुत ही अमेजिंग है. बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग है. और यहाँ से अगर तू व्यू दिखाएगी इस तरफ पीछे जो है वो बहुत ही अमेजिंग है. अभी हम नया शॉट लेंगे तो उसमें आप लोगों को दिखा देंगे, बट इट्स वेरी अमेजिंग. और ठंड हो रही है काफी, मुझे तो लग रही है. मुझे नहीं लग रही है, तीन पहने हैं, बट दिस शॉल इज अ गुड परचेज. यस, इट्स अ एक्सीलेंट परचेज. चल अगर आप सबने टिंकर बेल देखी है तो ये फ्लावर्स मैं आपको दिखाना चाहती हूँ. ये पिक्सी डस्ट जो फेरीज लेकर आती है वैसी ही फ्लावर्स हैं. टंटन, ओ गॉड, देखो फ्लावर गिर गया, उठाना. सच प्रिटी फ्लावर्स, ये देखिए ऐसे दिखते हैं. And they are looking so so pretty, so pretty. यहाँ का हॉर्टिकल्चर बहुत ही प्यारा है, सभी कुछ प्यारा है. I just loved the property and the entire idea behind it. Okay, one more thing that I really want you all to listen. आप ये पीछे पेड़ देख रहे हैं, कितना खूबसूरत पेड़ है, कितना प्यारा है. नहीं, और इसको हाईलाइट करने के लिए इसके बीचों बीच एक लाइट रखी है, आप देख रहे हैं. अगर वो लाइट ना होती तो ये पेड़ इतना खूबसूरत इस समय ना दिखता. यही चीज हमने देखी थी पेरिस में जब हम एफिल टावर गए थे, तो वहां पर वी अप्रिशिएटेड दिस कि वहां पर उन्होंने अपनी जो धरोहर है, मतलब जो पेड़ पौधे हैं, उनको इतना खूबसूरती से संवारा हुआ था. इसी तरह की लाइटनिंग से उनकी यूनिकनेस दिखाई हुई थी. एंड ऑल्सो वहाँ की नदियाँ उन्होंने जिस तरीके से की हुई थी, इट वॉज अमेजिंग. तो इसको देख के मुझे वही पेरिस वाला लाइटनिंग याद आया. सो वेरी नाइस. एंड ऑल दी स्मॉल थिंग्स एड ऑन टू द एंटायर ब्यूटी ऑफ द प्लेस और हमें आइडिया देते हैं कि हम भी यू नो इस तरह की चीज़ें अपने लिए कर सकते हैं, अपने घरों को सुंदर सुंदर लाइटनिंग से सजा सकते हैं. सो यस, इट इज रिफ्रेशिंग एंड रिवाइविंग एंड रिजुविनेटिंग. सो आई होप आपको भी मजा आया होगा. अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया है तो डू गिव इट अ थम्स अप. चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा. मैं आप सभी के लिए ऐसे ही अमेजिंग व्लॉग्स लेकर आती रहूंगी और आप लोगों को सम हाउ एंटरटेन करती रहूंगी.
विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और प्रीति प्रेरणा के चैनल से जुड़े रहिए. यू वांट टू से समथिंग? बाय.